रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। आई पुलिस को सब भागे ठीक किया सब लड़का सब कहाँ से आए हैं? हम लोग पंजाब से। अच्छा हाँ, वहाँ से सरकार तोड़ी है कि चलता तो छोड़ देगा, पकड़ना होगा तो ही पकड़ कर रख लेता। क्या समस्या है यहाँ? समस्या बिहार वाला आए ठीक है रात में, तो रात में बोला कि तुम लोग आज यहाँ बिताओ, सुबह तुम लोग को अपना अपना पंचायत या प्रखंड में या ब्लॉक में छोड़ देंगे। अच्छा तो अभी ये लोग रातें में ताला वाला मार के सब चले गया है, अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है, ना तो खाने के लिए ना तो हम लोग प्रशासन यहाँ आया है, ना डॉक्टर उत्तर कुछ भी नहीं आया, कुछ चीज का सुविधा नहीं दिया गया है। और हम लोग बाहर आए हैं, निकले थे हम लोग चेक करा के निकले थे, बस में चेक करा के बैठाया था, बोला कि तुम लोग को कटिहार छोड़ देंगे, कटिहार से प्रशासन तुम लोग को अपना अपना जिला में या प्रखंड में छोड़ देगा। कितना लोग हैं अंदर में? कितना लोग हैं? हम लोग यहाँ 20 आदमी हैं। 20 आदमी है कितना टोटल? कितना है टोटल? किसी को कुछ नहीं मिला? देखिए लगातार जो भी सूचना मिली है, मुझे सुबह से ही सूचना मिल रही थी कि जो लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था और कटिहार के ऋषि भवन में, उन लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, ना ही पानी मिल रही थी, और ये लगातार कटिहार के जहाँ जहाँ क्वारंटाइन हो रहा वहाँ की स्थिति है कि उन्हें बेहतर खाना नहीं मिल रहा है। और ये आज सामने आ गया जिला प्रशासन का, ये बहुत बड़ा फेल्योर है कि लगातार जिस तरह घटना भी घटी है, वो लोग गेट तोड़ के भाग गए हैं, पता नहीं उनमें से किनको पॉजिटिव होगा, किसको कोरोना होगा, और वो कटिहार में अगर फैलाएंगे सोचिए स्थिति क्या होने वाली है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ तुरंत उनको पकड़ा जाए और क्वारंटाइन किया जाए, और साथ ही जो ऋषि भवन का जो चार्ज लिए हुए थे जिनको देख रेख करना था उन पर तुरंत कार्रवाई हो, और नहीं तो तुरंत हम सवाल उठाएंगे। ये बहुत ही पूरे बिहार का ये पहला मामला है जो कटिहार में घटा है, और ये शर्मनाक है। धन्यवाद।